आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। शुक्र है अल्लाह का के हम फखर से वापस आए और अर्तुरुल गाजी के असीम वतन को फतह किया। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। ये फतह खास तौर पे तो मिल्लत की फतह है, सबसे पहले उन माओं की फतह है जिनके बेटे इस जंग में शरीक हुए। ये फतह उन बहनों की है जो अपने शोहरों और भाइयों को जंग के लिए भेज दी है। ये हम सब की फतह है। ये फतह इस्लाम के परचम तले बनने वाली ऐसी पहली रियासत होगी जो अबद मुद्दत तक कायम रहेगी। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि फतह की हुई सरजमीन की हिफाजत करना किसी नई सरजमीन को फतह करने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसे कारखानों के साथ, मस्जिद के साथ जिसमें हम इबादत करते हैं, और उस मुस्तकबिल के साथ जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, इस सरजमीन को जिसे हमने अपना खून दिया एक असीम रियासत बनाएंगे। और उस रियासत में अदालतें इंसाफ भी देंगी। बगावत करने वाले का अदालत के अंदर सर भी उतारा जाएगा। इस्लाम अल्लाह का कलाम, हमारी रियासत, हमारी मिल्लत और हमारा इंसाफ दायमी होंगे। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। अभी तो इनको पता चलेगा इसके बारे में, फिर देखना। आपने सिर्फ मैदान जंग ही फतह नहीं किया बल्कि अपने इंसाफ से हमारे दिलों को फतह किया। और इस फतह के साथ आपने रोशन किया हमारी तारीख तकदीर को। उस्मान साहब शुक्रिया। दाऊद उस्ताद शुक्रिया। अहमद सिपाही अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आए। अल्लाह का शुक्र है खातून कि हम सही सलामत यहाँ हैं। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो खातून। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। मैं तुम्हारे बच्चे से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बेटी, मैं कैसे वापस नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे तुम आ गए। बाबा जान तुम वापस आ गए। अल्लाह का माशाल्लाह। आप हमेशा फतहयाब रहे उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मलहून खातून। शुक्रिया बाला। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फतह को देखने के लिए जिंदा रहे। आपकी फतह और आपके बच्चे की खबर ने कबीले में अमन कायम किया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे उस्मान। गुपचुप ढूंढ रहा उसको, जरा को भाई जब पता चलेगा तो क्या हाल होगा। आला जहाद सोया नजर नहीं आ रही, वो कहां पर है क्या आप जानती हैं? बताएं ना।
बाला खातून ने हमारे बच्चे की जान बचाई उस्मान साहब। फखर है तुम पे, तुमने इन दोनों की जान की हिफाजत की। अल्लाह राजी हो तुमसे बाला खातून। सोए और वो बूढ़ी औरत का क्या करना? जो बच्चे के कातिल की सजा है वही उनको दी जाएगी। बुड्ढी की लग रही है था। आ गया भाई गुप्तुक। गुप्तुक शहर बनाने वाली आंटी और जहर देने वाली आंटी। मेरे साथ क्या होगा? होगा ये कि तुम अपने ही जहर से मरोगी। नहीं नहीं, सिपाहियों को परेशान मत करना। बेचारे का दिल तोड़ दिया भाई। मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। कोक्तुक रुको, कोक्तुक मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। कोक्तुक मेरी बात सुनो। कोक्तुक अब क्या फायदा भाई, क्या फायदा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखें एक मलकूत की रोशनी से मुनव्वर हैं उस्मान बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बच्चे की पैदाइश का तुम्हें इंतजार है। वो रियासत जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार किया उसका वक्त करीब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर मैदान जंग में तन्हा भी रह गया तो भी अर्दुरुल गाजी का जानशीन उस्मान आखिरी सांस तक भी अल्लाह के कलाम के मुताबिक जिहाद से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और ख्वाहिश ने तुम्हें अकलमंद बना दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी उस फतह की हवा जो तुमने हासिल की वो बढ़ती जाएगी, सारे आलम में फैलेगी, मशरिक से मगरिब तक। अब ये रुकने वाली हवा नहीं है उस्मान बेटा। ऐ शुक्रिया शुक्रिया। ये हवा सिर्फ
तुर्कों को ही तुम्हारी सरजमीन पर नहीं लाएगी बल्कि तमाम गांव, कबाइल, शहर खुशहाल होंगे सबके सब। शहरों को फतह करना और फिर उन्हें खुशहाल बनाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे खानदान का मकसद होगा। तुमने वो जंग बखूबी जीती, बाज़ंतीनियों और काफिरों को मौत की नींद सुला दिया। अब वो अपने खलों से बाहर नहीं आ सकती जहां वो पना गुजी है। ये बात जानता हूं मैं, तुम्हें ललकारने की हिम्मत उनमें नहीं है। तुमने बहुत दर्द कबाइल को खुश आमदीद कहा और उनके लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब है रियासत की बुनियाद रखना। बेटा तुम्हारे इस मुकद्दस मकसद में रब ताला तुम्हारी मदद करे। आमीन इंशाल्लाह। ये तो भी शुरुआत है। इंशाल्लाह इस्लाम के नूर से रोशन करेंगे रास्ता अपना और मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। भूलना नहीं, तुम्हारा मकसद इस ख्वाब में पोशीदा है जो तुमने देखा था उस्मान बेटा। वही वाला पेड़ वाला। बिल्कुल इसकी तरह यूसुफ नाम शायर ने एक दिन कहा था, तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारा दिल चाहेगा। इस मुकद्दस राह में तुम अपनी तवज्जो रिवायात, सच्चाई और इंसाफ पर मरकूज रख सकोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हारी सरदारी का जोआ और कुशादा हो सके उस्मान बेटा। वो रियासत जो तुमने ख्वाब में देखी वो हकीकत बन जाए, ये मेरी दुआ है। वो चांद जो तुमने ख्वाब में देखा, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुर्रस उस्मान सीजन 2 एपिसोड नंबर 168। बहुत इंटरेस्टिंग था एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट नेक्स्ट सीन बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट वाला लास्ट होगा। लास्ट जो इसका 168 लास्ट एपिसोड एक्चुअली, और 168 का भी एक लास्ट पार्ट बाकी है, वो भी इंशाल्लाह कल ला देंगे आपके लिए। अभी उसके बाद स्टार्ट होगा सीजन 3, तो मजा आने वाला है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।